अरे काका पेपर तो देखिए जरा, मराठी हिंदी इंग्लिश सभी में आपकी कल्पी की फोटो छपी है। वो एग्जाम में आई फर्स्ट आई है। सुना तूने? पापा आई, मैंने कोई भी पेपर्स रिवैल्यूएशन के लिए नहीं दिए थे, तो फिर ये किसने किया? मैंने। आई और बाबा से बात करने के लिए घर बुलाया था, तब तो आप नहीं आए। पहले मैं चाहता था कि तुम्हें वो खुशी मिले जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी। अब तुम भरोसे के साथ उनके पास जाकर हमारे बारे में बात कर सकती हो। गौरी आ गई है। What? अगर उसने तुम्हें देख लिया ना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जानी है। ताई! 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 क्या बात है ताई? कौन मार डालेगा? जिसे मैंने उस दिन टीवी में देखा था, वो यही है। वेटा, केक रेडी करवा दो। लेकिन ये केक क्यों? जैसे मुंह दिखाई की रस्म होती है, ऐसे केक दिखाई की रस्म समझ लो। अपने घर भेज देती। आपके घर क्यों जाएंगी है? अरे उसमें क्या परेशानी है? कमल तू मेरी बात समझ दे, मेरा ना घर पास में है, ठीक है ना? मैं अपने ड्राइवर को बुला रही हूँ। हाँ सुंदर, जरा गाड़ी ले आ। हाँ आ रहा है। क्या? हाय। ताई को संभाल के घर लेके जा बेटा, और पहुंचते ही फोन करना। चलिए ताई। चल कमला, फिर कल भी तुझे वहां नहीं देखेगी तो परेशान हो जाएगी ना। आप चलिए। हाँ आओ। थैंक गॉड आज बच गया, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि गौरी मुझे आज पहचान लेगी। तुम्हारी वजह से मैं बच गया आज, और अच्छा किया तुमने गौरी को हमारे घर भेज दिया। लेकिन ध्यान रखना, वो वहां से जाने ना पाए। तुम्हें ये लगता है उसे घर जाने के लिए भेजा है मैंने? कमला को कैसे हैंडल कर रहा है ना, मुझे सब अच्छे से पता है। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, कोई आ जाएगा। आने दो प्लीज। सर आई बाबा, सर प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, देखिए पीछे। नहीं छोड़ूंगा सर। कहाँ थे आप लोग? मैं कब से आप दोनों को ढूंढ रही थी। और ताई कहाँ पर है? बेटा वो ताई की तबीयत ना अचानक खराब हो गई, इसीलिए पकिया उन्हें घर छोड़ने गया है। अच्छा, मैं उन्हें सर से मिलवाना चाह रही थी। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, फिर कभी मिल लेंगे। ये बताओ अपना दामाद कैसे लगा? वो भी मेरी चॉइस है भाई। आज मान गया तुम्हें मैं और तुम्हारी चॉइस को, मगर ये विठल और कमला आज को ज्यादा नहीं चिपक रहे राघव से? चिपकने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? मिठाइयां होती है ना तो मक्खियां आ ही जाती है बिन बिनाते हुए। और कल्पी का बॉस है ना, मक्खन मार रहे होंगे और क्या। हाँ मगर इतना भी क्या हो गया? छोड़ो ना। अरे हाँ मैं बता रही हूँ, बात क्या है ना, वो राघव के ऑफिस पे जो काम करता है ना सैमी, उसके साथ घूम रहा है जो लड़का। अच्छा। कल्पी उसे पसंद करती है। अच्छा है, अपने औकात में रह के लड़का ढूंढ लिया। राघव बाबा हम बहुत खुश हैं कि कल्पी को इतना अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है। तो कल्पी ने आप लोगों को सब कुछ बता दिया? कोशिश तो की थी छुपाने की, मगर हम आई बाबा है उसके, पकड़ लिया। आप लोग आइए बैठिए ना। सैमी सर प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। मैंने कब रोका? बस एक सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है कि तुम्हें आज से कल्पना कहूं कि भाभी। राघव बाबा आपसे ना एक बात पूछनी थी, वो सैमी लड़का कैसा है?
मेरा मतलब है वो उसका काम पक्का है ना। पक्का मतलब अंग्रेजी में उसे कहते हैं वो परमानेंट। हाँ बहुत अच्छा लड़का है वो, मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है और कंपनी में बहुत ब्राइट फ्यूचर है उसका, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। ये सैमी के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? वो राघव पापा हम ना इसलिए पूछ रहे हैं ताकि ये जा... आओ ना, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे बेटा बात नहीं, चलो ना प्लीज। मैं आती हूँ राघव पापा। जरूर बेटा। हाँ हाँ आखिर क्या बात है बेटा, इन सबके सामने क्यों खींच कर लेके जा रही है मुझे? कमला माँ मुझे ध्यान से देखो। अरे बाप रे कितनी दुबली हो गई तू पाखी। मैंने सच्ची में तुझ पर ध्यान नहीं दिया बेटा, कुछ खाती पीती नहीं है क्या? कमला माँ मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखो कितनी बड़ी हो गई हूँ, मतलब जवान बेटी की माँ की नींदे तो उड़नी चाहिए ना, इनकी शादी की टेंशन तो होनी चाहिए ना आपको। बड़ी शैतान हो गई है तू। कमला माँ मौका भी है और लड़का भी, आप भी हैं पियो, मेरी शादी की बात करो ना राघव से। मैं कैसे कर सकती हूँ बेटा, देख नीतू में सबको बुरा लगेगा और वैसे भी लड़की की माँ ने ये सब बातें करनी चाहिए। माँ से ही तो कह रही हूँ, अपनी कमला माँ से। मेरी जिंदगी का हर अहम फैसला सिर्फ आप करोगी कमला माँ, प्लीज बात करो ना प्लीज। पागल हो गई है तू बाकी। एक बात बता, क्या राघव बाबा तैयार है? ये तो आपको ही पता करना होगा ना। ठीक है बेटा आज मौका देख के पूछ लूंगी, आखिर जवान बेटी की माँ हो, टेंशन तो होनी चाहिए ना। थोड़ा अजीब लगता है, अब आप सोच रहे होंगे क्या अजीब लगता है, यही शादी ब्याह की बात करना मर्दों के लिए थोड़ा अजीब होता है। आप ड्रिंक्स क्यों नहीं लेते? क्या ये आप कुछ पीते क्यों नहीं? आइए ना। अरे पर चलिए जी। हाँ सामी सर कहाँ गए पापा के साथ? तुम्हारे पापा को पटाने गया। अच्छा सामी सर ही सब कुछ करेंगे, आप कुछ नहीं करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि पापा को सामी सर पसंद आ जाए। कमला माँ अब मुझे आपसे कुछ बात करनी। राघव बाबा वो मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऑफ कोर्स कहिए ना। नहीं नहीं पहले आप कहिए। कमला माँ बहुत अजीब लग रहा है कि ये बात मैं आपसे खुद कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, घर में कोई बड़ा भी नहीं है। वैसे आपको सब कुछ मालूम तो पड़ गया होगा। माँ हूँ राघव बाबा, कमला अपनी बेटी की हर बात जान जाती है। तो क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? तो क्या आपको मेरी बेटी पसंद है राघव बाबा? बहुत ज्यादा। मैं देवा से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको बहुत खुशियां दे। मेरी बेटी और मेरे दामाद को मेरी हिस्से की खुशियां भी मिल जाए। ये क्या कमला माँ, इतनी खुशी का मौका है और आपकी आंखों में आंसू? मैं ठीक हूँ बेटा। वो विट्ठल कहाँ है? अरे उसे भी तो बताना है, मैं विट्ठल को ढूंढ के आती हूँ। बाकी
मैं एक मिनट आ रही हूँ। कमला, जब बच्चे खुश होते हैं तो उनको देख के कितनी खुशी मिलती है ना। मेम साहब। हाँ? वो आपको एक बात बोलनी थी। बोलना। मैंने ना आज राघव बाबा से पाकी के रिश्ते की बात की है। क्या? वो पाकी ने जिद की ना, इसीलिए पूछा। राघव बाबा इस रिश्ते से खुश है। ऐसा राघव ने कहा है? हाँ मीम साहब, राघव बाबा इस रिश्ते से खुश है। पाकी को बहुत खुश रखेंगे। मुबारक हो मीम साहब। मुबारक हो। अब आप पाकी के शादी की तैयारी करो बस। वाह कमला, बड़ी छुपी रुस्तम निकली तेरी बेटी। कैसी बेशर्मी के साथ डांस कर रही है। डिस्गस्टिंग। आई लव यू राघव, और मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूं। तुझे क्या अचानक से ऐसे कर रही है? अचानक तूने क्या किया कल्पी? अचानक से अपनी मर्यादा, अपने संस्कार सब भूल गई। कैसे नाच रही थी तू राघव बाबा के साथ? वहां लोग थे, लोग क्या कहेंगे? यही ना कि तू राघव बाबा को फंसा रही थी। आई आई क्या कह रही है? देख बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है। जब तक शादी नहीं होती तू वही करेगी जो मैं बोलूंगी, क्योंकि तुझमें कोई समझ नहीं है कल्पी कि 10 लोगों के सामने कैसे पेश आते हैं। बाबा को मत देख, बाबा भी मेरे साथ ही है। तेरी आई सही कह रही है कल्पी। मैं नहीं चाहता कि तेरे पीठ पीछे लोग 100 बातें करें जिससे तेरी शादी में कोई दिक्कत आए। राघव रुकना। अरे यार बात तो सुन। क्या सुनो सैमी, मुझे समझ में नहीं आता गलती क्या हुई। अभी अभी तो कमला माँ बधाई दे रही थी और अब यूं खींच कर ले गई। गुस्सा हो गई क्या? हो क्या गया उन्हें? मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार, उसके डैड से मेरी बात तो हुई थी, ऐसा कोई इशू नहीं था। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो तेरे घर में तेरे बड़ों से मिलना चाहते हैं। मेरी कमला माँ से बात हुई थी और उन्हें पता है मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है,
कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे मॉम डैड हैं ना, मुझे उनसे बात करनी है। प्लीज यार, इस वक्त उनका मूड बहुत अपसेट है, अभी बात करना ठीक नहीं। लेकिन क्यों सैमी, शादी की बात पक्की हो रही है, मैं कोई गैर नहीं हूं और इस तरह सबके सामने व्हाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो लोग सिंघानिया नहीं है, वो चौल के लोग हैं। उनके सपने, उनकी सोच, उनके संस्कार, यहाँ तक कि उनका माहौल बहुत अलग है। वहाँ पे दो लोगों का इस तरह शादी से पहले मिलना ठीक नहीं माना जाता। इनफैक्ट आज भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे दो लोग शादी से पहले एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते। यार इट्स अ डिफरेंस ऑफ क्लास एंड कल्चर। और वैसे भी अगर कमला माँ चाहती हैं कि तुम दोनों शादी से पहले एक दूसरे से दूर रहो तो इसमें बुराई क्या है? खाना खाएगा? भूख लगी होगी ना? मुझे लगता है कल्पी को तूने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। गलती क्या है इसकी? नादान है अभी बस। नादान कैसे विठल? शादी होने वाली है उसकी, लोग क्या कहेंगे? यही ना कि पहले सैमी बाबा को फंसाया, अब राघव बाबा पे डोरे डाल रही है। अरे जितने लोग उतनी बातें, और वहां पाखी भी थी। अरे उसकी तो रिश्ते की बात चल रही है राघव बाबा के साथ, उसको कैसे लगा होगा? तूने देखा ना नीतू मेम साहब ने क्या कहा, कैसे कहा? अच्छा नहीं दिखता विठल। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि सैमी के बाद अब वो राघव को फंसा रहा। बड़ी शातिर है सच्ची। प्लीज नीतू, अमीना कुछ भी बोलती है ना, यू नो व्हाट, अब प्लीज यहां से जाइए। मुझे आपकी फालतू बातें सुनकर ना अपना मूड खराब नहीं करना। का बचत कब अक्कल आएगी तुझे? तू ना बहुत भोली है, और वो कल्पी है ना तेज भोली, चौल की चालू लड़की है। और ये कल्पी जैसी लड़कियां होती है ना, ये गरीबी और मासूमियत का मुखौटा लगा के बड़े बड़े हाथ मार जाती है। तू तो जानती है कितने बड़े सपने उसके, ऐसे सपने पूरे करने के लिए तो सैम ही नहीं राघव की जरूरत है। मुझे ऐसी लड़कियां ना अपनी ख्वाहिश पूरे करने के लिए बस नीतू। इनफ, इतनी घटिया सोच है आपकी। यही फर्क है आप में और कमला माँ में। कमला माँ ने खुद मेरे लिए राघव से रिश्ते की बात की, और आप उन्हीं की बेटी के बारे में इतना घटिया सोचती है। यू नो व्हाट, शायद यही वजह है कि मैं उन्हें कमला माँ कहती हूँ और आपको माँ होते हुए भी आपके नाम से पुकारती हूँ। तू मुझे माँ कहे ना कहे, मैं हूं तो तेरी माँ, और तेरे भले के लिए सोचती हूँ। पहले ही कमला के प्यार में अंधी है, जो थोड़ा बहुत दिखाई देता था ना राघव के प्यार में, वो भी दिखाई देना बंद हो गया। खैर राघव से तो प्यार है ना, तो मेरी सलाह मान बच्चा, राघव से कल्पी तो क्या किसी भी लड़की को दूर रख। तब तक तेरे पापा और मैं राघव से तेरी शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। अच्छा किया जो तुम उसे यहां पे ले आई, वरना चौल में रहती तो आज नहीं तो कल राघव की नजर इस पे पड़ती पड़ती, इसको यहीं ठिकाने लगा देते हैं। ये क्या कह रहे हो, यहां पे उसे कुछ हुआ तो शक हमारे ऊपर नहीं जाएगा? हमें प्रॉब्लम इसके जीने से नहीं है, इसकी याददाश्त से है। इसे यहां रख के इसकी याददाश्त वापस ना लौटे इसका कुछ इंतजाम करना है हमें बस। कमला क्या कहे, मानेगी? उसकी चिंता तुम मत करो,
वो सब मैं देख लूंगी। वो पहले से इमोशनल फूल है, थोड़ा और बेवकूफ बनाने में बस ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। तुम बस सिर्फ एक काम करना, तुम इसके सामने मत आना प्लीज। 10 दिन और 10 इंजेक्शन, उसके बाद उसे कभी कुछ याद नहीं आना है। ठीक है। मेरे घर में हो ना, मैं यहाँ कैसे आई? हाँ मुझे कमला के यहाँ जाना है। हाँ हाँ चले जाना, लेकिन पहले दवाई लेनी होगी। ठीक है। वो आपको ना पार्टी में दौरा पड़ा था। नहीं नहीं मुझे कोई दवा नहीं लेनी है। अरे इंजेक्शन ही तो है, आपको पता भी नहीं चलेगा। Don't you understand? I'm more comfortable over there. मुझे कमला के पास जाना है, मुझे चौल जाना है। देखो डॉक्टर ने कहा है, इसे इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा। चल चल इंजेक्शन दो। छोड़ छोड़ मुझे। ओहो। उसे एक मिनट लगना है, एक मिनट लगना है बस। अरे छोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ो ना। अरे मेम साहब, मैंने अभी ताई की आवाज सुनी। ताई चिल्ला रही थी क्या? नहीं तो, अरे वो असल में तुझे वहम हुआ होगा कमला। देखना कितने आराम से सो रही है। ठीक है फिर मैं रुकती हूँ, जब ताई उठेंगी ना तो साथ लेकर जाऊं। हाँ 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 वो ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि दिनों बाद आराम से सोई है ना, हो सकता है एसी चल रहा है ना इसलिए। तेरे घर में ना गर्मी लगती होगी, उसके मारे नींद नहीं आती होगी। तू काम क्यों नहीं करती कमला? तू इनको यहीं पे छोड़ दे कुछ दिन के लिए, इनके भले के लिए कह रही। देख अभी क्या है मालूम है, तेरे घर में अभी सब शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो फिर मेहमान आते जाते रहेंगे, सजावट है, तैयारियां हैं, कितना मतलब शोरगुल रहेगा। शादी के शोरगुल में ना कहीं इनकी तबीयत और खराब ना हो जाए। और ये भी तो सोच, यहाँ पे डॉक्टर रोज आता है मम्मी जी के लिए, और नर्स तो 24 घंटे यहीं रहती है, तो ताई का भी ध्यान रख लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है मिम साहब, ताई को बस कुछ दिनों के लिए आपके यहाँ रखती हूँ। कमला माँ, बाकी कैसी है बेटा? अच्छी हूँ। वो कल्पी की शादी की गड़बड़ है ना, इसीलिए ताई को कुछ दिनों के लिए यही रख रही हूँ। देख ताई का ख्याल रखना। और सुन, कल कल्पी की साकरपुड़ा है, जरूर आना। कमला माँ, आपके आने के लिए मुझे इन्विटेशन की जरूरत थोड़ी ना, वो मेरा भी तो घर है। अच्छा हाँ, बेसन के लड्डू जरूर बनाना। हाँ हाँ, बेसन के लड्डू और पूरन पोली दोनों बनाऊंगी। निकलती हूँ बेटा। अच्छा अच्छा अच्छे से जाना है। गौरी ताई कहाँ है? अरे वो वहाँ नीतू मेम साहब के यहाँ सो रही थी, और फिर नीतू मेम साहब ने कहा कि अगर कुछ दिनों के लिए ताई वहीं रहे तो उनकी अच्छे से देखभाल होगी। और तू उनको वहाँ छोड़ाई? विठल मुझे भी लगता है कि ताई को कुछ दिनों के लिए वही रहना चाहिए। जो तू फैसला ले रही है वो सही है या नहीं? मुझे लगता है फैसला सही है। अच्छा तू बैठ, मैं जल्दी से टिफिन बनाती हूँ। हाँ आई बाबा, सैमी आया है अपने आई बाबा को साथ लेकर, और पूरा सूट वूट पहन के आया है। बापरे, बिना बताए कैसे चले आ सके है? विठल जल्दी से समोसे और जलेबी लेकर आ, और बेटा घर साफ करने में मदद कर।
नमस्ते, नमस्ते। आइए ना, आइए आइए। बकिया पानी लाना जल्दी, बैठिए ना, बैठो बेटा। सॉरी आंटी, मैं बिना बताए आ गया, विठल अंकल को पेरेंट से मिलना था इसलिए। कोई बात नहीं, बैठो बैठो। थैंक यू। ये पक्या है कल्पी का भाई, यही छोटा सा संसार है हमारा, लेकिन हम लोगों ने कल्पना को बहुत प्यार से पाला है। मुझे मालूम नहीं आपको पता है या नहीं, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। मैं पहले घरों में बाई का काम करती थी, लेकिन अब विट्ठल है ना, वो बड़े फैक्ट्री में काम करता है। कल्पना भी बड़े ऑफिस में काम करती है राघव बाबा और सैमी के साथ। पक्या इंजीनियर है, मोबाइल रिपेयर करता है। कोई बात नहीं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर किसी को कोई काम छोटा लगता है तो उसकी सोच छोटी है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। नमस्ते। कैसे हो बेटा? ये विठल, कल्पना के बाबा। विठल, तू इनके साथ बैठकर बात कर, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है, आइए बैठिए बेटा। बस ठीक। वैसे हमें लड़का पहले से ही पसंद था, आपसे मिलकर और भी अच्छा लग रहा है। हमें खुशी है कि हमारी कल्पी की शादी ऐसे घर में होने जा रही है जैसे हर माँ बाप चाहते हैं। बहन जी, जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। और देखिए, आप लोग भी ज्यादा परेशान मत होइएगा, शादी सिंपल महाराष्ट्रीयन तरीके से ही होगी। क्यों जी? जी, कल हम साखरपुड़ा के लिए आ रहे हैं और सभी रस्में सादे तरीके से होंगी। चलते विठल, वो शगुन के पैसे। हाँ सामी बेटा, ये लो। जी ये। अरे शादी पक्की हुई है, शगुन का है सैमी, मना नहीं करते। अच्छा अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। राघव, उस दिन इफ यू रिमेम्बर तुम्हारे लिए मैं गार्डन में लेटा था, उस हॉकर की आइसक्रीम खाई थी, स्ट्रीट शॉपिंग भी चला था मैं तुम्हारे साथ। मेरे लिए इतना कर सकती हो तुम? हाँ, पर इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि सगाई के लिए रिंग की तो जरूरत होती है ना मिस कल्पी। लेकिन हम कहीं और से भी खरीद सकते हैं ना। स्ट्रीट शॉपिंग फिर चले, जहाँ से तुमने स्टोल और इयररिंग्स ली थी। कमान यहीं से लेते हैं, और तुम मेरी इकलौती होने वाली बीवी हो। कमान एक डायमंड रिंग दिखाना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी कल्पी का साकरपुड़ा है। तो यकीन कर ले, यही सच है। पता है कितनी तैयारी करनी है, कल्पी और सामी के लिए कपड़े लेने हैं और सोने की अंगूठी भी। कहां कहां से पैसे निकाल के ला रही है तू? कहां कहां रखे हैं तूने? विठल, वो वाला दिखाना। मैं देखती हूं ना। नहीं, मैं देखने वाला हूं, मुझे प्रैक्टिस तो करनी है ना। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं?
आप लोग यहाँ? हाय पाखी। हाय। हाय पाखी, हम यहाँ कल्पी के लिए रिंग लेने आए थे। आओ ना, कम ऑन, अपने फ्रेंड की हेल्प करो। और कल सैमी और उसके पेरेंट्स के साथ साकरपुड़ा एंगेजमेंट, उसकी साड़ी लेने जा रहे हैं। कल एंगेजमेंट की फंक्शन कल्पी के घर पे है। कम ऑन, हेल्प हर। तो राघव सर सैमी की हेल्प कर रहे हैं। मैं भी ना। कल्पी का फोन है। बात करो। हेलो कल्पी। आई, वो सैमी सर के पेरेंट्स को ना शादी के लिए साड़ी खरीदनी है, वो भी तेरे पसंद की। सैमी के आई बाबा को साड़ी लेनी है हमारी पसंद की। दादर मार्केट पे बुला लो। हाँ कल्पी, सुन ना। बेटा तू ना उन लोगों के साथ दादर मार्केट पहुँच, मैं और बाबा वहाँ जल्दी पहुँचते हैं। अच्छा ठीक है, हम सब वही आते हैं। और सुन, पाखी भी आने वाली है, ठीक है? अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, मैं और बाबा जल्दी पहुँचते हैं। हाँ, रखती हूँ। हाँ आइए ना। आपको पता है इस दुकान में बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती है। भाऊ, मेरी बेटी का साकरपुड़ा है, अच्छे स्टाइल में, मराठी स्टाइल में पैठनी दिखाना। आई, पैठनी बहुत महंगी है। कल्पी, तू मेरी एक ही बेटी है बेटा, पैठनी तो बनती है। और देख, तू पैसे की टेंशन मत ले, इसमें बहुत है। दिखाओ दिखाओ। ये सब आपने कमला माँ के लिए किया ना, उनकी खुशी के लिए? हाँ, माना कि हमारी खुशी बड़ी है, लेकिन उनकी बेटी की शादी है, वो जहां कहें वहां से कपड़े खरीदेंगे हम। You're really very sweet, Raghav. पाखी ने आपको किस क्यों किया? पता नहीं क्या हो गया उसे। देखिए राघव, आपकी सोसाइटी में ये सब बहुत आम होगा और लोगों को इस बात का बुरा भी नहीं लगता होगा, लेकिन मैं नहीं देख सकती कि कोई और लड़की आपको किस करे। तो फिर तुम मुझे किस कर दो। क्या? मैं नहीं जानता तुम्हारी सोसाइटी में क्या क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मुझे कहीं भी किस कर सके। कुछ भी, यहाँ कैसे? Come on. अरे राघव, क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हारी जेलसी दूर कर रहा हूँ। जब पाखी ने मुझे किस किया तो तुम्हें जलन हुई, अब तुम्हें मुझे किस करना होगा। राघव, मुझे साड़ी ट्राई करनी है। साड़ी तुम मेरे लिए ले रही हो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। कल्पी ये साड़ियां भी पहनकर देख लेगी। कल्पी बेटा सुनना, दरवाजा खोल। हाय, मैं साड़ी ट्राई कर रही हूँ अंदर।
थोड़ी देर में आती हूँ। अरे कल्पी, उस साड़ी को छोड़ और इन्हें पहन के दिखा। चल दरवाजा खोल जल्दी। कल्पी, ये साड़ी ऐसी क्यों पहनी हुई है तूने? वो मैंने ना अंदर कुछ पहना नहीं आई, इसीलिए। चल जल्दी से ये पहन के दिखा। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। जल्दी आना। हाँ। मैंने कहा था ना आपसे, आई कभी भी आ सकती है। अब इससे पहले कि वो वापस आ जाए, प्लीज बाहर जाइए राघव। लेकिन ये साड़ियाँ? वो मैं कर लूंगी, प्लीज जाइए आप। एक किस्त दे दो। राघव प्लीज, प्लीज जाइए यहाँ से। आई दोबारा आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जाइए। आओ सरदार जी, आओ। देखो, ये है अपुन की खोली। देखो है ना, एकदम चकाचक मस्त खोली। हा? और एक बात बता दूं, मुंबई में इतने कम किराए में इतनी बड़ी खोली कोई नहीं देने वाला। वो तो अपुन दे रहा है क्योंकि नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए। अच्छा ये सब छोड़ो, फटाफट मेरा एडवांस निकालो। हाँ हेलो जी, पूरे हैं जी। अब से ये खोली तुम्हारी, ठीक है? अब चलती है मैं। ओ जी बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सस्त्रियाकाल। सस्त्रियाकाल जी, सस्त्रियाकाल, आराम से रहो। खबरदार, ना तो तुम यहां से बाहर जाओगी और ना ही यहां से झांकोगी। कमला माँ, शॉपिंग पूरी हो गई? हाँ राघव बाबा, शॉपिंग पूरी हो गई। तो आइए मैं आप लोगों को चौल छोड़ देता हूँ, धूप बहुत है। नहीं नहीं, मैं और विठल चले जाएंगे। जी क्या कल्पना भी आपके साथ ही जाएगी? नहीं, कल्पी का तो कोई काम है नहीं, वो आपके साथ आ सकती है। पाखी भी आपके साथ ही आएगी। पंडित जी, मेरी बेटी का साखरपुड़ा है, पूजा करानी है। ये अंगूठी बापा के चरणों में डालकर दे दीजिए ताकि देवा जोड़े को आशीर्वाद दे सके। किस नाम से पूजा करूं? कल्पना विठल जाधव। पापा, मेरी कल्पी को शादी के बाद हमेशा खुश रखना और उसकी शादी की सारी रस्में हंसी खुशी पूरी हो। ये लीजिए, पूजा संपन्न हुई। शुक्रिया।
क्या हुआ? वो अंगूठी नहीं है इसमें। अंगूठी नहीं है? अच्छे से देख, उसमें ही होगी। नहीं है ना विठल, देख लिया मैंने। तू पूछना पंडित जी, वो अंगूठी कहाँ है? सॉरी बहन जी, यहाँ दो टोकरी एक जैसी रखी थी, वो अभी इनको दिया है। क्या, किधर, किसको दिया आपने? जींस और पिंक कलर का टॉप पहनी हुई थी, वो अभी गई है। दरवाजा खोलो।